हेलो स्टूडेंट, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपका जो विषय है विद्यालय संस्कृति, विद्यालय संस्कृति प्रबंध, प्रबंधन और शिक्षक, जिसमें हमने चर्चा की थी आरटी 2009 के बारे में। आरटी 2009 के पाठ्यक्रम के बारे में हमने चर्चा की थी, इसके आर्टिकल्स देखे थे कि इसके आर्टिकल्स में क्या क्या पिछड़े वर्ग के लिए क्या बताया है, ठीक है, दूरदराज के बच्चों के लिए क्या बताया है, एजुकेशन के लिए क्या बताया है, ठीक है, जो दिसंबर 2002 से प्रारंभ था और 2002 से प्रारंभ होकर 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे भारत में लागू हो गया। तो ये सारी प्रक्रिया, इसमें पाठ्यक्रम की क्या स्थिति रही, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे राज्य सरकार व केंद्र सरकार के शिक्षा के क्षेत्राधिकार, जिसमें से सबसे पहले है केंद्र सरकार के अधिकार। आरटी में क्या है, केंद्र सरकार के क्या क्या अधिकार हैं, ठीक है। तो केंद्र सरकार के अधिकार में अगर हम देखें तो स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा के बारे में किसी प्रकार के कोई कानूनी अधिकार नहीं था। सर्वप्रथम भारत में शिक्षा से संबंधित जो अधिकार आया था वो आया था 1883 में लॉर्ड रिपन का। 1883 में लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले क्या किया था, शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ दी थी कि एजुकेशन किस प्रकार का होना चाहिए, एजुकेशन के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, प्राथमिक स्तर का कैसा होना चाहिए, माध्यमिक स्तर का कैसा होना चाहिए और किस प्रकार का इनको एजुकेशन देना चाहिए, इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ थी। लेकिन ये प्रवृत्तियाँ धीरे धीरे क्या होती गई, स्वतंत्रता के बाद वर्तमान में क्या होती गई, एक शिक्षा का अधिकार क्षेत्र में आ गई, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गई। तो ऐसी कौन सी प्रवृत्तियाँ थी जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गई, और डायरेक्ट जर्नल ऑफ एजुकेशन 1901 में डायरेक्ट जर्नल ऑफ एजुकेशन की क्या की स्थापना की, 1910 में शिक्षा विभाग की स्थापना की, 1910 में क्या की शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट जो बना वो कब बना, 1910 में, ठीक है। 1910 में एजुकेशन विभाग बनने के बाद इसमें कई प्रकार के देख रेख सदस्य सब नियुक्त हुए। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद केंद्र ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी रुचि लेना प्रारंभ की, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने रुचि लेना प्रारंभ की। इससे पहले केंद्र सरकार ने किसी प्रकार की कोई रुचि का कार्य नहीं की। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 के बाद भारत में शिक्षा विभाग के लिए शिक्षा मंत्रालय को परिवर्तन कर दिया, यानी शिक्षा विभाग को किस में परिवर्तन कर दिया, शिक्षा मंत्रालय में, शिक्षा मंत्रालय, यानी जो भी निर्णय लिया जाता है वो कहाँ से आता है, शिक्षा मंत्रालय से आता है, ठीक है। और स्वतंत्रता से पहले क्या स्थापना की थी, शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट था, लेकिन अब क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया। जो भी लास्ट डिसीजन आदेश आते हैं, जो भी इनमें परिवर्तन किया जाता है, जो भी पाठ्य पुस्तक होती हैं या जो भी प्रक्रियाएं होती हैं यूजीसी की, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, इसके अलावा जो भी शिक्षा से संबंधित प्रवृत्तियाँ होती हैं, वो सारी किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के शिक्षा विभाग यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा गठित की जाती है। 1957 में शिक्षा मंत्रालय के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को संयुक्त, यानी शिक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक अनुसंधान का भी जोड़ कर दिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया। 1958 में इस मंत्रालय के दो भाग कर दिए, यानी इस जो शिक्षा मंत्रालय थे इसके कितने पार्ट कर दिए, दो पार्ट, जिसमें अनुसंधान मंत्रालय भी था, जिसमें पहला मंत्रालय था शिक्षा मंत्रालय, पहला कौन सा था, शिक्षा मंत्रालय, दूसरा था वैज्ञानिक मंत्रालय, वैज्ञानिक मंत्रालय, ये दो डिपार्टमेंट कब दिए, 1958 में, कब कर दिए, 1958 में दो डिपार्टमेंट कर दिए, ठीक है। इनके बाद इनके पुनः 1963 में जो ये डिपार्टमेंट थे, इन डिपार्टमेंटों के दो पार्ट कर दिया, शिक्षा और विज्ञान विभाग, शिक्षा विभाग और दूसरा कौन सा कर दिया, विज्ञान विभाग,
यानी पहले शिक्षा मंत्रालय थे, शिक्षा मंत्रालय के 1958 में दो विभाग कर दिए, शिक्षा मंत्रालय वैज्ञानिक मंत्रालय, और उसके बाद 1963 में इन दोनों को क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, इनका नाम परिवर्तन कर दिया, शिक्षा विभाग कर दिया और विज्ञान विभाग कर दिया। फिर 29 फरवरी 1964 को क्या कर दिया, इसका डिवाइडेशन किया पांच भागों में, पांच ब्यूरो और चार डिवीजनों में, पांच ब्यूरो ब्यूरो और चार डिवीजन डिवीजन में, पांच ब्यूरो और चार डिवीजन में इसका डिवाइडेशन किया। पांच ब्यूरो हैं, विद्यालय शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियां, उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियां, उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियां स्कॉलरशिप हो गई। इसके बाद उन्होंने किया वो क्या, नियोजन व एनसीएल शैक्षिक सेवाएं, नियोजन नियोजन यानी जो भी योजनाएं निश्चित की जाती थी, जो भी योजनाएं बनाई जाती थी। इसके बाद पांचवा था भाषा साहित्य व ललित कलाएं, भाषा साहित्य एवं ललित कलाएं, ये डिवाइडेशन किया उन्होंने शिक्षा विभाग ने 29 फरवरी 1964 को, पांच ब्यूरो चार डिवीजन में इसको डिवाइडेशन किया, जिसमें पांच ब्यूरो कौन कौन से थे, एक तो थी विद्यालय शिक्षा, ठीक है, विद्यालय शिक्षा का अलग एजुकेशन डिपार्टमेंट में परिवर्तन किया, उसके बाद उच्च शिक्षा, फिर छात्रवृत्तियाँ स्कॉलरशिप, फिर जो भी योजनाएँ थी उन योजनाओं को जो क्रियान्वित किया जाता था उसका डिपार्टमेंट, जिसे नियोजित समन्वय काल कहा गया। उसके बाद था पांचवा भाषा साहित्य एवं ललित कलाएं, ये पांच ब्यूरो स्थापित किए और चार डिवीजन, चार डिवीजन कौन से थे, शारीरिक शिक्षा एवं मनोविज्ञान, चार डिवीजन पहला शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन, ठीक है, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन पहला डिवीजन। दूसरा था बाह्य संबंध और तीसरा जो था वो था वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रशासन, वैज्ञानिक अनुसंधान, और चौथा था प्रशासन। ये पांच ब्यूरो और चार डिवीजन में इनको क्या कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया। उसके बाद 1967-68 में इसका पुनर्गठन किया और सात ब्यूरो में इसको नियोजित किया। 1967-68 में इसको पुनर्गठन किया, यानी परिवर्तन किया, इनका पुनर्परिवर्तन किया और कितने डिवीजन ब्यूरो में बांटा, सात ब्यूरो में इनका डिवाइडेशन किया, जिसमें पहला था सांस्कृतिक क्रियाओं का ब्यूरो, पहला कौन सा था, सांस्कृतिक क्रियाओं का ब्यूरो, पहला कौन सा था, सांस्कृतिक क्रियाओं का ब्यूरो। दूसरा था ब्यूरो ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ब्यूरो प्लानिंग एवं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन
ठीक है, दूसरा था ब्यूरो प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा जो था वो था ब्यूरो ऑफ जनरल एजुकेशन, ब्यूरो ऑफ जनरल एजुकेशन एजुकेशन ब्यूरो ऑफ जनरल एजुकेशन, ठीक है। इसके अलावा था ब्यूरो ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरो ऑफ, चौथा था ब्यूरो ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरो ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा था ब्यूरो ऑफ टेक्निकल, पांचवा था ब्यूरो ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, छठवा जो था ब्यूरो ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, छठवा जो था ब्यूरो ऑफ स्कॉलरशिप, ब्यूरो ऑफ बुक प्रमोशन, स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप, और सातवां था ब्यूरो ऑफ स्कॉलरशिप हो गया, और सातवां था ब्यूरो ऑफ बुक प्रमोशन। ये सात ब्यूरो थे 1967 में, ठीक है, 1967 में सात ब्यूरो थे, ठीक है। ये था इनका ब्यूरो का कार्य संचालन, ये मंत्रालय के स्थिति थी 1967 तक, यानी केंद्र सरकार का अस्तित्व कब सामने आया, केंद्र सरकार का अस्तित्व, केंद्र सरकार की स्थिति कैसे थी। तो अगर बात करें हम स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले एजुकेशन के बारे में किसी प्रकार की कोई प्रक्रियाएं नहीं थी। सबसे पहले एजुकेशन के बारे में 1883 में लॉर्ड रिबन ने सबसे पहले शिक्षा संबंधी जानकारी या शिक्षा संबंधी मंत्रालय या विभागों की क्या की थी, स्थापना की थी, इसके बारे में चर्चा की थी, ठीक है। उसके बाद 1901 में एक वैज्ञानिक अनुसंधान की क्या स्थापना की, 1910 में उन्होंने शिक्षा विभाग की स्थापना की, तब उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या हुआ, अस्तित्व सामने आया, ठीक है। यहाँ 1910 में जब शिक्षा विभाग की स्थापना हो गई तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद केंद्र सरकार का अस्तित्व एजुकेशन डिपार्टमेंट में आना प्रारंभ, यानी शिक्षा विभाग का एक गठन करने के लिए, शिक्षा के बारे में जागरूकता लेने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ। तो हमारा जब भारत स्वतंत्र हो गया, तो भारत सरकार ने केंद्र सरकार ने क्या किया, एक शिक्षा विभाग की स्थापना की, वो 1910 में किया था। उस शिक्षा विभाग को स्वतंत्रता के बाद क्या कर दिया, शिक्षा मंत्रालय बना दिया। जब शिक्षा मंत्रालय 1958 में बना दिया तो 1958 में इसके दो डिवाइडेशन कर दिए, शिक्षा मंत्रालय के एक कर दिया शिक्षा मंत्रालय, दूसरा कर दिया वैज्ञानिक मंत्रालय। उसके बाद में 1963 में शिक्षा विभाग और विज्ञान विभाग, ये दो इन जो 1958 में शिक्षा मंत्रालय का जो गठन किया गया था उसमें शिक्षा मंत्रालय के जो दो भाग किए गए थे, शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक मंत्रालय, इनका नाम परिवर्तन करके शिक्षा विभाग और विज्ञान विभाग कर दिया। 1964 को 5 ब्यूरो और 4 डिवीजन में इसको परिवर्तन कर दिया, यानी पुनर्गठन कर दिया इनमें। तो 4 डिवीजन कौन से, ब्यूरो कौन से थे, विद्यालय शिक्षा थी, उच्च शिक्षा थी, छात्रवृत्तियाँ थी, नियोजन था, भाषा साहित्य एवं ललित कलाएं थी। ये किसके एजुकेशन में आते थे, एजुकेशन ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन आते थे, जिनको 5 ब्यूरो में परिवर्तन कर दिया। उसके बाद 4 डिवीजन थे, जिसमें पहला डिवीजन था शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन का, दूसरा था बाह्य संबंध का, तीसरा था वैज्ञानिक अनुसंधान का, और चौथा था प्रशासन का, ठीक। उसके बाद 1967 में फिर परिवर्तन कर दिया, इनको पुनर्गठन कर दिया, और परिवर्तन करके डिवीजन हटा दिए और ब्यूरो कर दिए 7। 7 ब्यूरो में कौन कौन से, सांस्कृतिक क्रियाओं का ब्यूरो, ब्यूरो प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा था ब्यूरो ऑफ जनरल एजुकेशन, चौथा था ब्यूरो ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और पांचवा था ब्यूरो ऑफ टेक्निकल, और छठवा था स्कॉलरशिप,
ब्यूरो ऑफ बुक प्रमोशन सातवां था। ये सात डिवाइडेशन उन्होंने निर्धारित किए। उसके बाद सितंबर 1985 में, सितंबर 1985 में उन्होंने फिर परिवर्तन किया। 1985 में क्या परिवर्तन किया, एक नवीन मंत्रालय का सर्जन किया जिसका नाम रखा मानव संसाधन विभाग विकास मंत्रालय। क्या रखा, मानव विकास मंत्रालय। यानी 1985 में एक विभाग बना जो शिक्षा विभाग ही था, उस जिसको शिक्षा मंत्रालय नाम दिया, उसी शिक्षा मंत्रालय का सितंबर 1985 में नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया, मानव विकास मंत्रालय, या मानव उसका नाम कर दिया मानव संसाधन विकास मंत्रालय में परिवर्तन कर दिया। 1986 में एक विज्ञप्ति जारी की जिसमें शिक्षा के को केंद्र में इस मंत्रालय के अधीन रख दिया गया। शिक्षा विभाग सहित इस मंत्रालय में 5 विभाग आते हैं। शिक्षा मंत्रालय सहित क्या आते हैं इसमें, 5, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये 1985 में हुआ। अक्टूबर में एक विज्ञप्ति जारी की, उस विज्ञप्ति में क्या निर्धारित किया कि जो एजुकेशन है वो एजुकेशन भी इसी मंत्रालय में जोड़ा जाए, और उसके कितने कितने विभाग बना दिए, 7 विभाग बना दिए, जिसमें सबसे पांच विभाग बना दिए, जिसमें सबसे पहला था शिक्षा विभाग। सबसे पहला क्या था, शिक्षा विभाग। दूसरा था कला विभाग, तीसरा था संस्कृति विभाग, चौथा था नारी एवं शिशु कल्याण विभाग, और पांचवा था युवा एवं खेलकूद विभाग। यानी शिक्षा विभाग, कला विभाग, संस्कृति विभाग, और इसके अलावा नारी सशक्तिकरण विभाग, या नारी स्त्री शिक्षा, नारी शिक्षा व शिशु कल्याण विभाग। इसके बाद पांचवा था युवा एवं खेलकूद विभाग। इस प्रकार की कितने डिवाइडेशन किए इसको, इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 5 विभाग कर दिए, और उसी विभाग के आधार पर एक सचिवालय जिसमें एक अध्यक्ष होगा और एक सचिव होगा। यानी इसी सचिवालय इनका एक डिवाइडेशन मंत्रालय बना दिया, और उस मंत्रालय में इस मानव विकास संसाधन जो आयोग गठित किया गया, उस आयोग में 5 विभाग बनाए, जिसमें 5 विभाग में एक अध्यक्ष, एक सचिव का क्या किया, सचिव का कार्य किया, जो सचिव है कार्य, उनको जो कार्य नियोजित किया, वो जो सचिव है उस सचिव के द्वारा ही उस कार्य को क्या किया जाता था, संचालन किया जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की गई, जिसमें मुख्य विशेषता है उच्च शिक्षा के लिए एक सचिव की नियुक्ति की गई। इसके अलावा अन्य जो विभाग थे उसमें सहायक सचिवों की क्या की गई, नियुक्ति की गई, यानी अतिरिक्त सचिवों की नियुक्ति की गई, जिससे कि उस कार्य को जो शिक्षा मंत्रालय है, उस शिक्षा मंत्रालय के कार्यों को क्या कर सके, संचालन कर सके। ये व्यवस्था किसमें की, केंद्र सरकार की। ये किसकी व्यवस्था थी, केंद्र सरकार की। तो केंद्र सरकार की व्यवस्था स्वतंत्रता के बाद हुई, ठीक, और स्वतंत्रता के बाद में उसको क्या किया, जो शिक्षा विभाग बनाया था स्वतंत्रता से पहले, उस शिक्षा विभाग को परिवर्तन करके क्या नाम दे दिया, शिक्षा मंत्रालय दे दिया, जिसके धीरे धीरे जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ता गया, एजुकेशन का क्षेत्र बढ़ता गया, वैसे वैसे इसके ब्यूरो और डिवाइडेशन, इनका डिवीजन अलग अलग प्रकार से होता गया। 1985 में इसको क्या कर दिया, शिक्षा मंत्रालय को ही परिवर्तन कर दिया, और उसका नाम रख दिया मानव संसाधन विकास मंत्रालय। उसी मानव विकास, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसी में 5 भाग डिवाइडेशन कर दिए। यानी शिक्षा विभाग के कितने डिवाइडेशन कर दिए, 5, और वो 5 कौन कौन से थे, कला थी, कला शिक्षा विभाग था, शिक्षा विभाग था, संस्कृति विभाग था, नारी एवं शिशु कल्याण विभाग था, युवा खेलकूद विभाग था। इस प्रकार के 5 भाग केंद्र सरकार ने क्या कर दिए, गठित कर दिए। ये थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहने वाले मंत्रालय। अब पढ़ेंगे हम राज्य सरकार के मंत्रालय, जो अगले वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।